हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्मी फोर्सेस की। बहुत सारे तरह के आर्मी फोर्सेस होते हैं, पर जो हमारा मेन होता है इंडिया में वो है हमारा टोटल 8 फोर्सेस हमारे टोटल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे केवल आर्मी की बात कर रहा हूँ तो आपको याद करवा दूँगा और बता दूँगा क्या होता है। वैसे भी जनरल नॉलेज के पर्पज़ से हमारा जानने का इच्छा होता है। आपने मेट्रो पे देखा होगा, अलग होता है, हर जगह अलग होते हैं। आपने देखा होगा ताजमहल वाले पे होते हैं, आपने देखा होगा कहीं बहुत जगह पे देखे हो, अलग अलग जगह पे देखे हो। जब इलेक्शन होता है तो कोई और आता है, तब कोई और होता है, तो कौन होते हैं ये सब? चलो पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये पहला जो होगा हमारा वो होगा BSF, जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको कहा जाता है। हम बात करते हैं कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता क्या है। तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया पाक के बॉर्डर पे, या फिर मैं कहूँ बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से ही बांग्लादेश निकला है, इन दोनों के बॉर्डर पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे BSF होते हैं। यहाँ पे जो आर्मी होते हैं वो BSF कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इनका नाम सबसे पहले बता दो, सबका काम अलग अलग होता है। कुछ होते हैं जैसे चाइना के बॉर्डर पे जो खड़े होते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिए मस्त होते हैं, एकदम मतलब काबिल होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में उनका प्रैक्टिस होता है ज़बरदस्त, तो इसलिए वो चाइनीज़ पे होते हैं इनका। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, नॉर्मली ज़मीन पे लड़ना है, तो इसलिए यहाँ पे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरा बात करें हम यहाँ पे, तो हमारा दूसरा जो आता है वो होता है ITBP। इसको हम कहते हैं ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चाइना तिब्बत जो जिसे चाइना ने कब्जा कर लिया, तो ये चाइना चाइना के बॉर्डर पे इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स खड़े होते हैं। इनको ये वाले जो आर्मी होते हैं, इनको बेसिकली पहाड़ में रह के लड़ना सिखाया जाता है। पहाड़ों में गोरिल्ला वॉरफेयर होता है, इसलिए पहाड़ों में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है इनको। अगर आप ITBP को BSF में भेजेंगे तो वो उतना अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे जितना कि ये यहाँ पे ITBP वाले लड़ेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही उसी हिसाब से दी जाती है। तीसरे नंबर पे देखते हैं सशस्त्र सीमा बल, SSB, नाम सुना होगा आपने इसको। सशस्त्र इंग्लिश में भी सशस्त्र कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल। ये बेसिकली नेपाल पे होता है, नेपाल भी हमारा पहाड़ी इलाका है, तो इसे नेपाल के बॉर्डर पे होते हैं। वैसे कि हमारा नेपाल से अच्छा रिलेशन है, पर KP शर्मा ओली जी के आने के बाद आपने देखा होगा कि उतने अच्छे रिलेशन नहीं रहेगा। 1963 में ये हमारा यहाँ पे लागू हुआ था, 1963 से ये खड़े हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, अलग किया गया था इनको। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा चौथा आता है वो है असम राइफल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, असम राइफल, यानी असम जो हमारा वो ईस्ट में है, तो ईस्टर्न स्टेट में, यानी कि असम में है, तो असम के फायर कौन सा हमारा नेबर पड़ता है, तो म्यांमार। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, सबको अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग दी जाती है। जब सिलेक्शन के लिए जाते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि कौन सा कहाँ पे किसको लड़ना है और किसको कैसा करना है, तो वो उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको जज कर लिया जाता है वहाँ पे, और फिर उनको उस में भिड़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ट्रांसफ़र करके यहाँ पे कर देंगे और इसका ट्रांसफ़र करके यहाँ पे कर देंगे, या इसका यहाँ पे कर देंगे ट्रांसफ़र और इसका यहाँ पे कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं हमारा कुछ, ये तो हमारा बॉर्डर का हो गया पूरा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के, जो हमारा इंटरनली कैसे होते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको तो कि पूरा मतलब देखा होगा आपने हर जगह पे, देश के अंदर भी आपको आर्मी मिलेगी, लेकिन वो आर्मी ये वाली नहीं होती। इनको अलग प्रकार की गन दी जाती है कि एक बार मारोगे तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनको देश के अंदर के लोगों के लिए तो खैर हमें वैसा नहीं चाहिए ना बंदूक, तो वैसे लोगों को अलग दी जाती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो आता है हमारा वो है CRPF। आपने सुना होगा CRPF की फोर्स आ गई। CRPF क्या है ये? CRPF तो सेंट्रल रिजर्व, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनका काम क्या होता है? इनका बेसिकली जो काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी होता है। देश में कहीं पे
आतंकवाद फैले हैं या फिर घुसपैठ कर आतंकवादी आ गए हैं देश के अंदर, तो उनको मारने का काम इनका होता है, सीआरपीएफ वालों को। आपने देखा होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आतंकवादी वगैरह जब देश में आते हैं। तो उसके बाद जो आता है हमारा वो है एनएसजी, एनएसजी फोर्स, आपने सुना होगा, एनएसजी। तो एनएसजी क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है? तो जो वीआईपी होते हैं और जो उसके अलावा जो हमारा टेररिज्म वगैरह होता है, अब बोलोगे टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी ये तो एक जैसी है, जी हाँ एक जैसी है, लेकिन जो हमारा सीआरपीएफ होता है, ये आपने नक्सल वगैरह का सुना होगा, उनसे भी यही डील करते हैं, एनएसजी टेररिज्म। उसके बाद और वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी में रहते हैं, वीआईपी इन द सेंस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको वीआईपी कौन होते हैं, वीआईपी तो हमारे जो रेल मंत्री हो गए वीआईपी है, या फिर हमारे, अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे हमारे जो छोटे लेवल के मंत्री होते हैं, वो जैसे कि स्टेट्स वगैरह के मंत्री हो गए, दिल्ली का केजरीवाल, हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर, या फिर कहीं का भी आप कोई सा भी स्टेट का ले लो, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, तो इन लोगों में एनएसजी रहती है। इसके बाद बात करते हैं एसपीजी की, एक होता है हमारा एसपीजी, अगला जो आता है हमारा वो एसपीजी। अभी एसपीजी क्या होता है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब देखो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या होता है, ये जो होती है ना हमारी, ये वी वी आई पी होते हैं, क्या होते हैं ये, वी वी आई पी होते हैं ये, एसपीजी। इसका एग्जांपल भी तो बहुत बड़े लोग जो होते हैं, मोदी जी, अभी करंट हमारे प्रधानमंत्री है अमित शाह, प्रेसिडेंट, जो बहुत स्टेट गवर्नमेंट से तो हाई लेवल के है ना काफ़ी। देखा होगा आपने जनरली ये लोग ब्लैक ड्रेस में होते, पूरे काले चश्मे में देखा होगा आपने इनको, एसपीजी को, जो इनके मोदी जी वगैरह के आसपास में होते, काले चश्मे, इन्होंने पूरा काला चश्मा पहना होता है, और एकदम ही ये इनके हाथ में एक सूटकेस होता है, ब्लैक कोट सब कुछ, वो सूटकेस जैसे ही मान लो कहीं से फायरिंग वगैरह होती है तो वो लोग एक सूटकेस खोलते हैं, जिससे चारों तरफ वो लोग आ जाएंगे और एक सूटकेस को ओपन कर देंगे, और एक वॉल टाइप में मोदी जी के चारों साइड बन जाएगा, वो बुलेट प्रूफ होता है, कोई उसको मार नहीं पाएगा फिर मोदी जी को। तो ये था हमारा एसपीजी। अब हमारा एक और रह गया लास्ट, उसको भी बता ही देता हूँ मैं आपको, जो हमारा लास्ट रह गया है वो है हमारा, तो जो हमारा अगला आता है वो है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनको आपने जनरली देखा होगा मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरफोर्स स्टेशन पर, यानी कि एयरो एयरपोर्ट 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 स्टेशन पर, जितने भी इंडस्ट्रियल आ रहे हैं ना, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर जो हमारी धरोहर है जैसे कि ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, जितने भी हमारे धरोहर उन सब पे, मंदिरों वगैरह में देखा होगा आपने जो होते हैं वो ये वाले होते हैं। इन सब में बेसिकली गन्स का फ़र्क होता है, इनको जो गन दी जाती है वो थोड़ी हल्की दी जाती है, क्योंकि इनको ऑर्डनरी पीपल से डील करना होता है। तो यही था हमारा वीडियो, हमने टोटल 8-9 तरह के आर्मी देखी, इतने प्रकार के सिलेक्शन होने के बाद सबको अलग अलग में डिवाइड किया जाता है, कभी कभी वैकेंसी निकलती है कि आपको ऐसे ही के सिलेक्शन करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताना कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन होता है, कमेंट करके बताना, और मुझे बताना आप कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन सी फोर्स होती है। ये दो क्वेश्चन मैंने पूछा, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई मैंने आप लोगों के काफ़ी कहने पर, और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद।